ये सब बातें करने के लिए तुमने मुझे आज बुलाया था यहाँ? ये सब कहने के लिए डेस्परेट हो रही थी ना तुम? एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, मेरे सामने तो तुमने ये बात कह दी, लेकिन मेरी फैमिली के बारे में या किसी और के बारे में कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है तुम्हें। मेरा प्यारा, मुझे टीवी देखना है मम्मा, मुझे टीवी देखना है। मम्मा के पास बैठो। आज इतना प्यार क्यों कर रही हो आप? क्यों मम्मा, फर्स्ट टाइम प्यार कर रही है, हमेशा नहीं करती क्या? कहती तो, पर आज कुछ ज्यादा ही है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा, आज ज्यादा प्यार कर रही हूँ। एक्चुअली आज पापा ने मम्मा को एक गुड न्यूज दी है, वो मम्मा आपको बाद में बताएगी, अभी नहीं। ओके, मैं टीवी देखने नहीं जाता। हाय, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ, तुम अच्छी लग रही हो। खुशी चीज ही ऐसी है, जब इंसान खुश होता है तो बहुत अच्छा लगता है। क्या पूछो तो कि मैं क्यों इतनी खुश हूँ? तुम क्यों इतनी खुश हो संथिया? फाइनली तुमने डिसीजन ले ही लिया। कौन सा डिसीजन? वही जो तुम अपने बॉम डैड को उस दिन बोल रहे थे। क्या बोल रहा था मैं? मेरे मुंह से सुनना चाहते हो? ठीक है, सुन लो। बिल्कुल सुनो। जिस दिन देविका की एंगेजमेंट है और काकुल की गोद भराई भी है, उस दिन तुम अपने मॉम डैड को हमारे बारे में बता दोगे। ये तुमसे किसने कहा? तुम ही ने तो कहा था अपने मॉम डैड से। ओह हाँ, नहीं, पर मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि उस दिन तुम्हारा पति आएगा। अब लोग क्या मतलब निकालते हैं ये तो वो ही जाने। वो चाहे जो भी मतलब निकाले, लेकिन मैं इस बात का मतलब अच्छी तरह से समझ गई। अच्छा, चलो बढ़िया है। क्या सिर्फ इसलिए सम्मान हमारे नजदीक आना चाह रहे थे, दीदी का दीदी के रिश्ते की खातिर? अच्छा हुआ जो हम उनसे दूर ही रहे, वरना सिवाय दुख और दर्द के हमारे हिस्से में कुछ नहीं आता। हेलो सिंथिया दीदी। हाय, कैसी हो काकुल? हम अच्छे हैं, आप लोग कैसे हैं? अच्छी हूँ, इनफैक्ट बहुत बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? अभी नहीं बताऊंगी। फिर कब बताएंगी? जिस दिन तुम्हारी गोद भराई की रस्म है ना, उसी दिन देविका की एंगेजमेंट भी है, बस उसी दिन एक सरप्राइज दूंगी तुम्हें। सिंथिया दीदी प्लीज प्लीज अभी बताइए, हमसे इंतजार नहीं होगा। इंतजार कर लो काकुल, सिर्फ दो दिन की तो बात है। अरे हमने तो 7 साल इंतजार किया है, इमेजिन। सिंथिया दीदी, आपको पक्का पता है कि हमारी गोद भराई और देविका दीदी की सगाई एक ही दिन है? हाँ, क्यों, तुम्हें किसी ने नहीं बताया क्या? हाँ बताया तो था, लेकिन जो हमने पहले सुना था उस पर अब विश्वास हो रहा है। हम रखते हैं सिंथिया दीदी, आपसे बाद में बात करेंगे। ऋषभ भैया को हमारा प्रणाम कहिएगा। ठीक है। लोगों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। बाऊची ने एक बार कहा था, आसमान नाम की कोई चीज नहीं, नसर का धोखा है वो। सम्मान हमसे क्यों मिलना चाह रहे थे, क्यों थैंक यू बोलने आए थे, ये अब समझ में आया है। शायद उन्हें डर था कि देविका दीदी की सगाई में हम कोई मुश्किल ना खड़ी कर दे। ये लीजिए आपकी कॉफी। कॉफी बना तो दी है मैंने, लेकिन अब पीकर ये मत कहना कि रात को नींद नहीं आएगी। नींद तो वैसे भी नहीं आएगी उत्तरा। अब फिर वही बातें सोचने लगी देविका के बारे में। शेखर के
परिवार वालों की बातें जहन में घूम रही हैं। किस कदर इंप्रेस्ड है ना वो ओम शंकर से। अगर उन्हें सच्चाई का पता चल गया अचानक क्या कर बैठे, वो यही सोचेंगे कि अब ओम शंकर से हमारा कोई रिश्ता रहा ही नहीं और हमने ये बात खातून से छिपाई है। अरे तो कौन सा गुनाह कर लिया, अपने बेटी का रिश्ता किया है उस घर में, इसका मतलब ये नहीं कि अपने घर की सारी बातें हम उनके सामने खोल के रख दे। सवाल ये नहीं है उत्तरा, सवाल ये है कि हम पर से उनका विश्वास हो जाएगा, उन्हें ये लगेगा कि हमने उनसे ये बात छुपाई, झूठ बोला, और भी कई झूठ बोले होंगे। ये बात उनसे छिपा कर बहुत बड़ी गलती की है हमने, और अब अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए हम काकुल का सहारा ले रहे हैं, एक और गलती कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। इस बात की हमें रत्ती भर फिक्र नहीं है कि उस बेचारी पर क्या गुजर रही होगी, क्या महसूस कर रही होगी वो। अपने बच्चों के लिए अगर हम स्वार्थी हो रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? दिल बहलाने के लिए ये बात बहुत अच्छी है उत्तरा, लेकिन भीतर ही भीतर तुम भी जानती हो कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा, गलत हो रहा है। मैं ना अपनी सारी फ्रेंड्स को बुलाऊंगी, खूब हंगामा करेंगे, फिर नाचना गाना। हाँ नाचना गाना और बजाना, मैं डमरू बजाऊंगा और तुम्हारी सारी सहेलियां नाचेंगी। वाओ, फिर तो और मजा आएगा ना। वाह तुलिका, सच में बहुत मजा आएगा। वो तुम्हारी टांग खींच रहा है और तुम कह रही हो मजा आएगा। टांग कहाँ दी? अच्छा डमरू किसके लिए बजाते हैं? बंदरों के लिए। तो तुम्हारे दोस्त क्या हुए? बंदर? How could you call my friends बंदर? तुलिका देविका जी तुम्हारी चाबी भर रही है। बंदर ये तो मैंने कहा ही नहीं। अरे मैं तो नाचने गाने की बात कर रहा था। हेलो समान भैया भी आ गए। हाय भैया। अब इनसे भी पूछ लो कि ये कौन से गाने पे डांस करेंगे। आजकल ये नाचते गाते नहीं है, एक बार किसी की शादी में नाचे थे, अब तक पछता रहे हैं। सुनो कहिए। वंशिका से बात हुई? वंशिका से ही मिलकर आ रहा हूं। तो क्या कहा उसने? प्रॉमिस किया है उसने मुझसे, फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। गुड। और वो कौन? क्यों उसका नाम मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हो? हाँ समझ लो ना मैं किसकी बात कर रही हूँ। जब आपको उसका नाम लेने में इतनी प्रॉब्लम होती है, इतनी परेशानी है, तो जाने दीजिए ना, उसके बारे में बात भी क्यों करना चाहती हैं? ग्रेट सूट्स मी फाइन। लो भाई सब मिलाकर 45 गेस्ट हो रहे हैं। आई थिंक आगे लिस्ट बनाने से पहले पापा से पूछ लेना चाहिए। हो गई लिस्ट। शरद कैसा लग रहा है पापा के साथ काम करना? फीलिंग ग्रेट, बहुत मजा आ रहा है, पापा से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। गुड कीप इट अप। भैया आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ कहो ना। एक्चुअली बात नहीं है, माफी मांगनी है आपसे। माफी किस बात की? आप उस दिन सक्सेना के साथ थे हमारे पुराने ऑफिस में और मैं अचानक कोर्ट के ऑर्डर्स लेके पहुंच गया था। बहुत बहुत रूडली पेश आया मैं आपके साथ। आई एम सॉरी फॉर दैट। माफी मत मांगो शरद, उस समय हालात ही ऐसे थे। सच कहूं तुमने वहां आकर मेरी मदद ही की है, एक बहुत बड़े धर्म संकट से बचा लिया तुमने मुझे। जिस चेयर पर पापा बरसों से बैठते आए मैं उस चेयर पर बैठने की सोच भी नहीं सकता। तुमने ऐन वक्त पर आकर मुझे रोक लिया, वरना जिंदगी भर शर्मिंदगी झेलनी पड़ती मुझे। एक बात कहूं, तुम पापा की शक्ति हो,
कभी भी उनके खिलाफ मत जाना, उनसे अलग मत होना। हालात से मजबूर होकर जो कुछ मैंने किया वो तुम मत करना। भैया, मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखूं। एक तरफ सम्मान का सूरत नहीं देखना चाहती हो, उससे मिलना नहीं चाहती हो, उससे बात नहीं करना चाहती हो, तो फिर काय पड़ी हो मुंबई में? जल्दी क्यों नहीं अपने घर? हम दादी माँ की इच्छा का मान रखने के लिए यहाँ रुके हैं। आप इसे तमाशा या जो कुछ चाहे कह सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये सम्मान की मर्जी के बगैर उनसे प्यार करने की सजा है। काफी रात हो गई, इस वक्त फोन करना ठीक नहीं है। काकुल सो गई होगी अब तक। काकुल ने मुझे फोन किया था 8:30, मैं कहाँ था उस वक्त? रेस्टोरेंट, वॉशरूम। इसका मतलब वंशिका ने मेरा फोन काकुल से बात की। उसने क्या बात की होगी? पापा, कैन यू बीट दिस? सम्मान के घर वालों ने काकुल की गोद भराई और देविका की सगाई, दोनों फंक्शन एक ही दिन रखे। पता है क्यों? क्योंकि देविका के ससुराल वालों के सामने वो लोग बड़ाई मारना चाहते हैं, उन लोगों के सामने शो ऑफ करना चाहते हैं कि उनके ओम शंकर जी के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि देविका के इन-लॉज ओम शंकर जी से कुछ ज्यादा ही इंप्रेस्ड है। वंशिका, इसमें ताज्जुब की क्या बात? अमरनाथ और उसकी फैमिली की रग रग से मैं वाकिफ हूं, और खुद अमरनाथ एक निहायत ही लिच्चर किस्म का इंसान है। वंशिका, अगर तुम सम्मान से प्यार नहीं करती तो मैं कब का अमरनाथ को एक्सपोज कर चुका होता। पापा, आप ये क्या कह रहे? यकीन नहीं आ रहा है ना कि बाहर से इतना उजला दिखने वाला इंसान अंदर से इतना काला कैसे? लेकिन वंशिका, अमरनाथ के लिए उसका भगवान सिर्फ रुपया है, और रुपयों के लिए वो अपने सगे भाई को भी बेच सकता है। पापा, आप ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? अमरनाथ अंकल का सगा भाई? सगे भाई से भी बढ़कर थे वो, प्रभाकर, नेहा के फादर। और ये मैं नहीं कहता, अमरनाथ ही कहता था ऐसे। और फिर क्या किया उसने प्रभाकर की फैमिली के साथ? प्रभाकर की मौत के बाद पार्टनरशिप से उसका नाम निकालकर कंपनी अपने नाम कर ली। नेहा की मां को झूठे दिलासे देकर उसे डॉक्यूमेंट भी साइन करवा लिए, और वो बेवकूफ लड़की नेहा मेरे खिलाफ केस लड़ रही है। अमरनाथ को उसके अधिकार दिलवाना चाहती। अरे, पहले अपनी मां के अधिकार तो उसे दिलवाए जो अमरनाथ ने उसे छीन लिए। पापा, उन लोगों के साथ क्या होता है उससे हमें क्या मतलब? लेकिन कहीं आप ये केस हार गए तो? मैं केस नहीं हारूंगा, क्योंकि मेरे पास हुक्म का इक्का है। फिलहाल तो जानबूझकर मैंने पतंग की डोर को ढील दे रखी है, लेकिन अगर इस बार सम्मान ने तुम्हें धोखा दिया तो अमरनाथ की पतंग कट जाएगी। वो फाइल नेहा तक पहुंच जाएगी जिसमें अमरनाथ की बर्बादी का परवाना है। सम्मान का फोन। हेलो सम्मान, कैसे हो? ठीक से पहुंच गई थी घर? हाँ, थोड़ी देर पहले ही पहुंची। पापा, एक्सक्यूज मी। हाँ समान, बोलो, इज एवरीथिंग ऑल राइट? या ऑफ कोर्स, यस। ऐसे बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था। द
दिल ने चाहा तुम्हें फोन करूं तो कर लिया। मेरा भी तुमसे बात करने का बहुत दिल कर रहा था। बोलो क्या कर रहे हो इस वक्त? तुम्हारे बारे में सोच रहा था। I was feeling guilty. Sorry कहना चाहता था तुमसे। Sorry about what? काकुल। काकुल के बारे में जो भी कुछ कहा मैंने रेस्टोरेंट में, उसके लिए तुम्हें सॉरी कहना चाहता था। कम ऑन सम्मान, डोंट बी सिली। लव मीन्स यू डोंट हैव टू से सॉरी टू द पर्सन यू लव। जिससे सच्चा प्यार करते हैं उसे सॉरी क्यों कहे? और अगर तुमने गुस्से में मुझे कुछ कह दिया तो मैं उसका बुरा कभी नहीं मानूंगी सम्मान। और क्या मैं नहीं जानती तुम कितने डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हो? डिफिकल्ट टाइम मतलब किस डिफिकल्ट टाइम की बात कर रही हो तुम? देविका के सगाई के बारे में। एक बार उसकी सगाई टूट चुकी है एंड गॉड फॉरबिड दोबारा ऐसा ना हो। और इस बात की टेंशन तो तुम्हें होगी ही ना, लेकिन आई एम श्योर इस बार वो काकुल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगी। एंड आई एम श्योर दिस टाइम शी वोंट सक्सीड। हेलो हेलो सम्मान, आर यू देयर? वंशिका ने जरूर कुछ कहा है काकुल से, मगर क्या? उस वंशिका की बातें हमने अपनी कानों से सुनी है सुजीत बाबू। उसे मालूम नहीं था हम फोन पर हैं, हम सुन रहे हैं उसकी बातें। उसको लग रहा था कि काकुल को बोल रही है। क्या कहा उस मान शख्सियत ने? उस दो टके की एक तो चक्कर कहना ना कि हम आदमी बहुत इज्जतदार हैं, तो गाली हमारे मुंह में अटक जाता है, बाहर नहीं निकलता है। शरीफ आदमी होने का यही सबसे बड़ा नुकसान होता है। क्या फरमाया उसने? वो काकुल बिटिया से कह रही थी कि सम्मान बाबू के घर वाले जो चाल चल रहे हैं उसके साथ, वो उसको नजर ही नहीं आता। शतरंज का मोहरा बना के रखा है उसे। गोद भराई का ये जो नाटक चल रहा है वो सिर्फ देविका की शादी के लिए, क्योंकि देविका के ससुराल वाले तुम्हारे घराने से रिश्ता जोड़ने का सपना देख रहे हैं। द ग्रेट ओम शंकर के घराने से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए तो देविका की शादी अपने बेटे से कर रहे हैं। सुजीत बाबू वो तो ये भी कह रही थी, काकुल अगर जरा सी भी तुम में गैरत है, सेल्फ क्या कहा था उसने, लिटिल सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो तुम सगाई के दिन उस घर पर नहीं जाओगे। शाबाश नाना, जरा सिचुएशन का कॉम्प्लिकेशन देखिए आप। फोन कहां से आता है? सम्मान श्रीमान सम्मान बाबू के फोन से। अब फोन करती कौन है? उनकी ड्रीम गर्ल, गर्लफ्रेंड वंशिका। नाना अपने दुनिया देखा है, लेकिन ऐसा खुराफात तो ससुर सलेमा में भी नहीं देखा होगा आपने। एक पल के लिए तो हम भी सम्मान के झांसे में आ गए थे। हमें भी लगा कि काकुल उनसे बात नहीं करके बहुत बड़ा गलती कर रही है, लेकिन अब तो सब क्लियर क्लियर हो गया है। बिल्कुल ही बिल्कुल धुले हुए शीशे की तरह साफ हो गया सब। इनका फैमिली ने तो सब कुछ क्लाइमैक्स जैसा कर दिया है, बस अब बैंड का पट्टी लगाना बाकी रह गया है। सुबह होते ही हम पटना चले जाएंगे नाना। हम नहीं जाएंगे वहां जहां हमारे घर की बच्ची के अरमानों का चिता सज रहा हो। हम तो नहीं जाएंगे वहां, और ना ही काकुल जाएगी। जीजू हम दादी की आज्ञा को ठुकरा कर कहीं नहीं जाएंगे। गोद भराई की रस्म के लिए हम जरूर शामिल होंगे। हम तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, अपना फैसला सुना रहे हैं। ना हम जाएंगे ना तुम जाओगी। अब इस घर से, इस शहर से अगर तुम बाहर जाओगी तो सिर्फ पटना जाने के लिए।
जो रास्ता बताऊंगी वो तुम करोगी। काम मुश्किल है लेकिन उपाय एक ही है। क्या करना होगा मुझे? तुम खुद काकुल के घर जाओ और उसे मना करके ले आओ। अम्मा मैं जाऊंगी काकुल के पास? आप भी ना? हाँ तुम भी जाओगी और साथ देविका को भी ले जाओ। What? जाएगी वहां मेरी जूती। मुझे कोई शौक नहीं माफी मांगने का। Excuse me.